वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं सानिया, मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मस्जिद हराम के गेट नंबर 100 को साबिक सऊदी फरमान नवाज शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के नाम पर रखने की मंजूरी, डॉक्टर अब्दुल रहमान अब्दुल अजीज अल सुदैस ने की तस्दीक। एक और फलस्तीनी इसराइली फौजियों की फायरिंग में हुआ शहीद, गर्ब उर्दुन का शहर नेबलस बना जंग का मैदान। यूक्रेन में रूसी फौज को शिकस्त मिलने की खबरों के दरमियान चेचन सदर को दिया गया कर्नल जनरल का एजाज, रमजान कादरोव ने यूक्रेन जंग में अपने तीनों बेटों को लड़ने के लिए भेजा है। गैम्बिया के एंट्री में 66 बच्चों की मौत के लिए WHO ने हिंदुस्तानी दवासाज कंपनी को ठहराया जिम्मेदार, खांसी की सिरप से बच्चों की हुई मौत, मरकजी हुकूमत ने दिए जांच के अहकाम। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के RSS चीफ भागवत से कई सवाल, पूछा मॉनिटरीज के लिए भी अपने दरवाजे खोलेगा सिंह। मुल्क भर में भाईचारगी बढ़ाने के लिए शुरू की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए सोनिया गांधी, अपनी वालिदा के जूतों के तस्मे बांधते राहुल गांधी की तस्वीर सोशल मीडिया पर हुई वायरल। और अब खबरों की तफसील। उमूर हरमैन शरीफैन के जनरल सदर अल शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज अल सुदैस ने मस्जिद उल हराम के गेट नंबर 100 को साबिक फरमान रवाज शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के नाम पर रखने की मंजूरी दे दी है। अल सुदैस ने इस बात पर जोर दिया कि ये फिराक दिलाना हिदायत और आला मंजूरी मुमलिकत सऊदी अरब की जानिब से मुकद्दस मसाजिद और उनके जायरीन की खिदमत के सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों का हिस्सा है। उनका कहना था कि जिस तरह सऊदी अरब की हुकूमत मस्जिदुल हराम की वसत में तौसी के मंसूबों पर काम कर रही हैं, वहीं आजमीन और जायरीन को हरम मक्की में सुकून के साथ इबादत की अदायगी के लिए आला मियार की सहूलियात फराहम की जा रही है। बहरीन ने फ्लेक्सी परमिट्स की जगह लेबर मार्केट में नई असलाहत का ऐलान कर दिया। बहरीन न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि बहरीन के वली अहद और वज़ीर आज़म सलमान बिन हमदुल खलीफा ने लेबर मार्केट में नई असलाहत का ऐलान किया है जो फ्लेक्सी परमिट्स की जगह लेगी। असलाहत का मकसद गैर मुल्की कारकुनों के तहफ़ को बढ़ाना और काम के लिए रजिस्ट्रेशन या मुलाजिमत की तब्दीली से मुतालिक राह हमवार करना है। नई असलाहत के बाद अब कारकुनों की रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार आसान बना दिया गया। मुलाजिम और आजर के दरमियान किसी भी तनाज़े के लिए लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी की ज़मानत भी शामिल होगी। इसराइली फौजियों और फलस्तीनियों के दरमियान गर्ब उर्दुन के शहर नेबलस में झड़पों के दौरान इसराइली फौजियों की फायरिंग से फलस्तीनी नौजवान अला अल जगल की सर में गोली लगने से मौत हो गई है। इस फायरिंग में 3 फलस्तीनी शदीद जख्मी भी हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये झड़पें सहयूनी फौजियों की जानिब से फलस्तीनी शहरी सलमान इमरान के घर का मुहासिरा करने के बाद शुरू हुई। वाजिर है कि गुज़िश्ता रोज़ भी गासिब सहयूनी फौजियों और इंतहा पसंद यहूदियों के गर्ब उर्दुन के शहर नेबलस के अतराफ में होने वाले हमले में 33 फलस्तीनी जख्मी हुए थे। फलस्तीन की हिलाल अहमद सोसाइटी के बयान में आया है कि जुनूबी नेबलस के इलाके बेता में सहयूनी फौजियों की फलस्तीनी नौजवानों से झड़पें हुई और इसराइली फौजियों ने उन पर फायरिंग की और आंसू गैस के शेल दागे, जबकि सहयूनी कॉलोनियों के यहूदियों ने फलस्तीनियों की गाड़ियों पर पथराव किया। इस दरमियान खबर है कि इसराइली फायरिंग में जाँ बहक होने वाले फलस्तीनी नौजवान अला अल जगल को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सिपुर्द खाक कर दिया गया है। बाईस साल कुर्द लड़की महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान झड़पें हुई हैं।
यूनिवर्सिटियों में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद मुल्क के मगरबी इलाकों में कई स्कूलों में भी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की खबरें आ रही हैं। मगरबी तहरान के कर्ज शहर में एक स्कूल की तालिबात ने क्लासरूम की एक दीवार पर लगे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई के पोस्टर फाड़ डाले, जबकि कुछ तालिबात ने खामनाई की तस्वीर फाड़ डाली और उन्हें आग लगा दी। उधर कर्ज में एक और स्कूल में लड़कियों ने जावियात तालीम के एक अहदेदार को स्कूल से भगा दिया। एहतजाज की तस्वीर और वीडियो शाया करने वाली वेबसाइट के मुताबिक स्कूल की तालिबात में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। از دور بگیر ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर अब अमेरिका ने खुलेआम फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी है। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि ईरान के साथ सिफारतकारी फिलहाल काम नहीं कर रही हैं। व्हाइट हाउस ने ये भी कहा है कि अगर ईरान के साथ सिफारतकारी नाकाम होती हैं तो हम खित्ते में अपनी फौजी तैयारी को यकीनी बनाने के लिए तैयार हैं। अमेरिका की तरफ से ये बयान ईरानी जौहरी माहदे की बहाली का मामला गैर वाज़ेह होने के बाद सामने आया है। ईरानी वजीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान ने गुज़िश्ता हफ्ते मास्को में कहा था कि उनके मुल्क को 2015 जौहरी माहदे को बहाल करने के लिए वाशिंगटन से मजबूत जमानतों की ज़रूरत है। शुमाली कोरिया ने आज जुमेरात को एक मरतबा फिर अपने मशरिकी साहिल से मुख्तसर फासले तक मार करने वाले दो बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिनका रुख जापान की तरफ था। ये मिसाइल जनूबी कोरिया और अमेरिका की मुश्तरिका मिसाइल मशकों, जनूबी कोरिया के हालिया मिसाइल तजुर्बात और अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज की खित्ते में वापसी के बाद फायर किए गए हैं। गुज़िश्ता 12 दिनों में शुमाली कोरिया की तरफ से ये मिसाइल का छठा और मंगल को जापान की फिजा पर से गिरने वाले दरमियानी फासले तक मार करने वाला एक बैलिस्टिक मिसाइल के दागे जाने के बाद इसका पहला तजुर्बा था। जापान कोस्ट गार्ड ने कहा है कि ऐसा लगता है कि मिसाइल पहले ही गिर चुके हैं। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनकी फौज ने मुल्क के जनूबी हिस्सों में तेज पेशकदमी शुरू कर दी है। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में बताया कि हमें महाजों से अच्छी खबरें मिल रही हैं। हमारी फौज अपनी मौजूदा दिफाई सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए जनूबी इलाकों में पेशकदमी कर रही हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि खैरसोन में वाक़ ज़ोलोता बालका यूक्रेन और डेवडेफ बर्ड समेत बास दीगर सिविल आबादियों को रूस से वापस ले लिया गया है। हमारे फौजी मकबूजा इलाकों की वापसी के लिए मसरूफ़ हैं। वाज़ेह है कि यूक्रेनी फौज ने खारकीव, खैरसोन और डोनेस्क के इलाकों में रूस के खिलाफ हमलों का आगाज कर दिया था। रूसी सदर पुतिन के इत्तेहादी चेचन सदर खादरोव ने ऐलान किया है कि उन्हें रूसी फौज के आला फौजी ओहदे पर तरक्की दे दी गई हैं। याद रहे ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई हैं जब रूसी फौज को यूक्रेन में सिलसिलेवार नाकामियों का सामना करना पड़ा और खादरोव ने अपने तीन बेटों को लड़ने के लिए महाज़ जंग पर भेजने का ऐलान किया था। 46 साल चेचन खादरोव यूक्रेन पर रूसी हमले के सबसे बड़े हामी हैं। रमजान खादरोव ने कहा है कि मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। चेचन रहनुमा खादरोव ने कहा रूसी सदर पुतिन ने उन्हें अपने फैसले से जाती तौर पर आगाह किया है। उन्होंने टेलीग्राम पर कहा रूसी सदर ने मुझे कर्नल जनरल के ओहदे पर तरक्की दी है, ये मेरे लिए एक प्रोमोशन है। याद रहे कर्नल जनरल का ओहदा रूसी फौजी ओहदों की सीरीज में तीसरे रैंक पर आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कहा है कि गेम्बिया में गुर्दों के जख्मों की वजह से दर्जनों बच्चों की हलाकत का ताल्लुक भारत की एक दवासाज कंपनी के तैयार करदा खांसी और नज़ले के आलूदा सिरप से हो सकता है।
WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गेब्रियस ने बताया है कि अक्वामे मुत्तहिदा का इदारा भारतीय रेगुलेटर्स और नई दिल्ली में कायम दवासाज कंपनी मेडन फॉर मॉस्यूटेकल्स के साथ मिलकर तहकीकात कर रहा है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि लेबोरेटरी के तज्जिए ने खांसी के इलाज के लिए बनाए गए इस सिरप में डाइथेलियन और एथिलियन ग्लाइकोल की नाकाबिल कबूल मकदार की तस्दीक की हैं जो इस्तेमाल किए जाने की सूरत में जहरीली साबित हो सकती हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है, आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। RSS और हिंदुत्ववादी तंजीमों के खिलाफ खुलकर बात करने वाले सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर दिग्विजय सिंह ने फिर एक मरतबा सिंह के सरबराह मोहन भागवत पर तनकीद की है। उन्होंने सवाल किया कि क्या तेंदुआ कभी अपनी फितरत बदल सकता है। नागपुर में दशहरा रैली में मोहन भागवत के बयान पर एक मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके पूछा कि क्या RSS एक खातून को सर सिंह चाले किया अपना चीफ मुकर्रर करेगा। दिग्विजय सिंह ने जो मीडिया रिपोर्ट शेयर की हैं उसके मुताबिक मोहन भागवत ने दावा किया है कि उन्होंने खवातीन के हकूक की लड़ाई लड़ी है। दिग्विजय सिंह ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि क्या RSS बदल रहा है, क्या कोई तेंदुआ अपनी फितरत बदल सकता है। अगर वो RSS की फितरत की बुनियादी बातें बदलने के लिए हकीकत में संजीदा हैं तो मेरे पास मोहन भागवत जी से कुछ सवाल हैं। क्या वो हिंदू राष्ट्र के अपने एजेंडे को छोड़ देंगे, क्या वो किसी खातून को RSS चीफ के तौर पर मुकर्रर करेंगे और क्या अगला RSS सरबरा गैर कोंकणी या गैर ब्राह्मण होगा। दिग्विजय सिंह ने यह भी पूछा कि क्या RSS माइनॉरिटीज़ के लिए अपनी रुकनियत का दरवाज़ा खोलेगा। उन्होंने कहा कि अगर मोहन भागवत उनके सवालों के जवाब पॉजिटिव देते हैं तो मुझे RSS से कोई मसला नहीं होगा। RSS चीफ मोहन भागवत के आबादी कंट्रोल कानून पर जोर देने के बयान पर मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर निरुत्तम मिश्रा ने भी इसे वक्त की जरूरत करार दिया। मोहन भागवत जी ने भाषण दिया है, उनका कहना है कि कई देश इस वजह से टूट गए हैं। उन्होंने एक नीति पर जोर दिया, समान जनसंख्या कानून होना चाहिए देश के लिए। श्रद्धेय का जो बयान है वो देश की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आबादी का असंतुलन नहीं होना चाहिए, उन्होंने उद्धरण भी दिए हैं। अब समय भी आ गया है कि इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करके उचित उपाय और अमली जामा पहनाना चाहिए। कांग्रेस का ध्यान सिर्फ वहीं तक रहता है और वोटों तक रहता है, तो श्रद्धेय भागवत जी का ध्यान संपूर्ण भारत पर रहता है, देश पर रहता है। ये दो बुनियादी सोचों का फर्क है। एक देश के अंदर राजनीति देखते हैं और वो देश को देखते हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। दो दिन पहले गुजरात दौरे के दौरान सदर द्रौपदी मुर्मू ने अपने बयान में कहा था कि मुल्क का 76% नमक गुजरात में बनाया जाता है और ये कह सकते हैं कि मुल्क की सभी आवाम गुजरात का नमक खाते हैं। इसी बयान को लेकर कांग्रेस ने शदीद एतराज़ जाहिर किया। कांग्रेस लीडर उदित राज ने ट्वीट करके कहा कि द्रौपदी मुर्मू जैसे सदर किसी भी देश को ना मिले, चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं कि 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खा कर जिंदगी जिए तो पता चलेगा। इसके बाद उदित राज ने एक और ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मेरा बयान द्रौपदी मुर्मू जी के लिए निजी हैं, यानी उनके ज़ाती ख्यालात हैं,
कांग्रेस पार्टी के नहीं है। द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया और आदिवासी के नाम से वोट मांगा। सदर बनने से क्या वो आदिवासी नहीं रही? बहरहाल बीजेपी ने कांग्रेस लीडर उदित राज से इस बयान को अफसोसनाक करार देते हुए उसकी मजम्मत की है। पूरे मुल्क में फैली नफरत की हवा को दूर करने और भाईचारगी को बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी छाए हुए हैं। इसी दरमियान कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सदर सोनिया गांधी भी राहुल गांधी के साथ शामिल हुई और पैदल यात्रा की। सोनिया गांधी ने कर्नाटक के मांड्या जिले के डॉक बंगला इलाके से पदयात्रा का आगाज किया। वो पहली मर्तबा भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हैं। हमेशा की तरह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ताहम आज राहुल गांधी की अपनी वालिदा सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांधने की तस्वीर के खूब चर्चे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज जमेरात को दो दिन की छुट्टियों के बाद कर्नाटक के मांड्या से शुरू हुई। इस मौके पर जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी जेर इख्तदार रियासत से हमें जो रद्द अमल मिला है इससे पता चलता है कि अगले इलेक्शन में बीजेपी की हार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस सदर वो रियासत के साबिक वजीर डी के शिव कुमार ने इस मौके पर कहा, दशहरे के बाद अब रियासत में कांग्रेस की जीत होगी। हम कर्नाटक में दोबारा इख्तदार में आ रहे हैं और बीजेपी की दुकान बंद होने वाली है। गुजरात में इलेक्शन लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ने यहां जबरदस्त जीत के दावे किए हैं और साथ ही कहा है कि पूरे गुजरात की आवाम बीजेपी से बज़न हो चुकी हैं। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए बताया कि खबर है कि गुजरात के हर जिले में बीजेपी एक एक मरकजी वजीर या किसी सीएम की ड्यूटी लगा रही है। केजरीवाल आगे लिखते हैं कि ये डर आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये डर गुजरात के लोगों का है जो बीजेपी से बहुत नाराज थे और अब तेजी से आपका दामन थाम रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी लीडर रमेश भदौड़ी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दरअसल दिल्ली में मुनक्कद रामलीला प्रोग्राम के दौरान साउथ दिल्ली के बीजेपी एमपी रमेश भदौड़ी ने सियासी बयानबाजी शुरू कर दी, जिस पर ऑर्गेनाइजर ने उनसे कहा कि वो रामलीला के स्टेज से सियासत ना करें। ये पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि बीजेपी एम ने अपनी गलती मानने की जगह रामलीला ऑर्गेनाइजर्स को ही चोर कह डाला। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भदौड़ी जी का, उनकी मेरा उनसे निवेदन है कि रामलीला के मंच पर राजनीतिक बात नहीं करें। राजनीतिक लोग बहुत उनके जिसमें बातें रखती है, हमने हाथ नहीं जोड़े, हमें बुलाइए। भारत की संस्कृति राजनीति की बात ही नहीं कर रहे, राजनीति की बात ही नहीं यहाँ हर प्रकार भारत की संस्कृति की बात की है, मत बुलाइए। बच्चों की कसम खाते हैं, ये सब कहना अच्छी बात नहीं है। हमें बहुत पीड़ा हुई है आपके शब्दों से, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मंच पर मंच पर मंच पर देना चाहिए आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मस्जिद हराम के गेट नंबर 100 को साबिक सऊदी फरमान नवाज शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के नाम पर रखने की मंजूरी डॉक्टर अब्दुल रहमान अब्दुल अजीज अल सुदैस ने की तस्दीक। एक और फलस्तीनी इसराइली फौजियों की फायरिंग में हुआ शहीद, गर्ब उर्दुन का शहर नेबलस बना जंग का मैदान। यूक्रेन में रूसी फौज को शिकस्त मिलने की खबरों के दरमियान चेचन सदर को दिया गया कर्नल जनरल का एजाज। रमजान कादरोव ने यूक्रेन जंग में अपने तीनों बेटों को लड़ने के लिए भेजा है। गैम्बिया के एंट्री में 66 बच्चों की मौत के लिए WHO ने हिंदुस्तानी दवा साज कंपनी को ठहराया जिम्मेदार। खांसी की सिरप से बच्चों की हुई मौत, मरकजी हुकूमत ने दिए जाँच के अहकाम।
कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के आरएसएस चीफ भागवत से कई सवाल, पूछा मॉनिटरीज के लिए भी अपने दरवाजे खोलेगा सिंह। मुल्क भर में भाईचारगी बढ़ाने के लिए शुरू की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए सोनिया गांधी। अपने वालिदा के जूतों के तस्मे बांधते राहुल गांधी की तस्वीर सोशल मीडिया पर हुई वायरल। वर्ल्ड न्यूज ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तियाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।